राम राम भाइयों, आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के पिछले टायर को बदलवाने के लिए। कर दे काम ने। 20,000 किलोमीटर चला दी, काफी चल चुकी है। अधिकतर ये हाईवे पे चली है। हाईवे पे चलने के कारण टायर की कंडीशन ये हमारे की है। अभी इसमें माल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से इसमें 2-3 पंचर हो चुके हैं। और फिर मैं इसको थोड़ा अपग्रेड कर रहा था। ये असल में है सीट का टायर है और इसका डिस्क्रिप्शन ये है, 140, 70 एंड 70। अब मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ 150, 70 एंड 17। चलिए आपको वहीं जाके बताता हूँ। बाकी इसकी सर्विस मैंने करवा ली। इसके अंदर मैंने मोटू 300G 15W50 का इंजन ऑयल डलवाया है, जो कि मेरे को पड़ा है 1,075 रुपए का 1 लीटर। 2 लीटर मेरे को पड़ गया 2,150 का। और अगर मैं एनफील्ड वालों का ही इंजन ऑयल डलवाता तो वो मेरे को सिर्फ पड़ता 700 रुपए का 1.7 लीटर। लेकिन मैं इतना ज्यादा क्यों डलवाया है, क्योंकि मैंने अभी अपनी मनाली कसोल वाली ट्रिप पे महसूस किया कि इसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा है। जो मैंने पिछली बार इनफील्ड वालों से सर्विस करवाई थी, सर्विस तो मैंने अभी भी इनफील्ड वालों से ही करवाई है, लेकिन इंजन ऑयल मैंने आफ्टर मार्केट डलवाया। बाकी अगले ट्रिप के लिए बाइक बिल्कुल तैयार है। अगला ट्रिप कहाँ का होगा ये आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं तो आप समझ जाएंगे कि अगला ट्रिप कहाँ का होने वाला है। पहुंच गए हैं MRF के शोरूम पे नजफगढ़ में। निकाल दिया। और जो पुराना बुलेट होता है काले वाला, तो बेकार ही है। ज्यादा चौड़ा हो गया वैसे ना, पैसे भी ज्यादा लग गए। इस मशीन का ये फायदा है, इससे इसके रगड़ नहीं लगती, वरना वैसे उससे निकालते ना प्लायर से तो रगड़ लगती है इस पे, एलॉय पे। कट पिट की गारंटी नहीं है ना इसमें? नहीं सर, की और तार धागा छोड़ने की। यार अपोलो वाले तो कट पिट की गारंटी भी देते, तुम लोग नहीं देते यार। हमारे अपना कहीं भी नहीं देगा,
बाकी जेक के सिया टपोला ये सभी देते हैं, सभी देते हैं। वैसे लगता नहीं, पर किसी गलती की वजह से ही लगता है। अरे गलती, आजकल तो सड़कें सारी टूटी पड़ी है ना, तो कहीं पे भी लग जाता है यार, एंगल लग गया। हाँ कोई रोड खराब हो, कील बिल्कुल कील वो घुस गई, कुछ हो गया तो देना चाहिए। गैप कितना है? गैप तो सर है काफी गैप। चेन तो नहीं लगेगी ना? तो पूरा फिट होने के बाद। अच्छा चार जगह निशान मार देगा यार तू इसमें। ओ मेरे वीरा, उस पे लग रही है ना, दूसरे वाले पे, इस पे लग रही है यहाँ, ये देख इस पे कहाँ लगेगा, क्यों नहीं लग रहा? यहाँ थोड़ा मारा, यहाँ मारा यार। बेटा रख के निकल जाता है, वहां से निकल जाता है। चलो छोड़ दो, यहाँ मारो, ठीक है। ये सेट हो गया ठीक, मतलब चैन कितनी दूर है उसके देखना। चैन तो ठीक है, जो जा रहा है वही रहेगा, क्योंकि इसमें वो दे रखा ना सेटिंग करने का रास्ता। मैं ये देख रहा था इसके अंदर गैप है करीबन, अरे बहुत गैप है भाई। कई बार क्या होता है, जैसे पंचर हो गया मान लो, टायर बैठ गया, तो कहाँ कहाँ लगेगा ये भी देखना पड़ता है ना, क्योंकि उस टाइम इसका साइज और थोड़ा हो जाएगा। ये है टायर का साइज। ले वीरू, वुडलैंड के जूते पर आ दिए गिरते। टायर का पैटर्न ऐसा है कि पीछे तक पानी नहीं जाएगा। बेटा बहुत बहुत भारी है, थोड़ा देख के चला ले, देख के कर ले, यहीं से बैग ले ले, बैठ के सुने, बैठ जा इसके भाई, बैठ के ले ले, बैठ के उसके ऊपर बैठ जा, ताकि बैलेंस बन जाता है, दोनों तरफ पैर आ जाते हैं, वरना एक थोड़े झोल में इधर गिर जाती है ये। चल भाई ये लग गया 150 70 17, ठीक है। हाँ मेरा चैनल है एक छोटा सा यूट्यूब पे, उस पर डालूंगा। अब लग रही है हार्ले डेविडसन, हार्ले चलो भाई मैं, थैंक यू भैया। अरे मेरा वो टायर दिया बेटा पुराना, ये शॉप है भाई नगरगढ़ में इनकी, टायर सॉल्यूशन करके। मैंने इनको कल कहा था, इन्होंने अरेंज करवाया बेचारों ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।